हेलो बच्चों। तो बच्चों, हमने ओम्स लॉ और रेजिस्टर का जो फैक्टर है, फैक्टर जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है एक रेजिस्टर का, इन चीजों के बारे में पढ़ा था पिछली क्लास में, पिछले और पिछले के पिछले क्लास में। और मैंने आपसे कहा था कि इकट्ठे हम लोग इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आज हम लोग ओम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स करते हैं, और एक अगला लेक्चर भी हम लोग ओम्स लॉ के न्यूमेरिकल पे बेस्ड सवाल ही करेंगे। ठीक है, दो लेक्चर हम लोग ओम्स लॉ पर करने जा रहे हैं, ओम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स पे। ये आज का न्यूमेरिकल, आज का लेक्चर भी न्यूमेरिकल पे, अगला लेक्चर भी न्यूमेरिकल पे है। तो अगला लेक्चर भी आप लोगों को स्किप नहीं करना है, बिल्कुल याद से देखना है। ठीक है बच्चों, चलिए। तो ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है, दो क्वेश्चन आपके सामने लिखे हो, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। ठीक है, एक वायर है, ठीक है बच्चों, एक वायर है इस तरीके से, ये एक वायर है, ठीक है। इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है? 6 ओम। कितना रेजिस्टेंस दिया हुआ? 6 ओम। तो वायर के रेजिस्टेंस को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ऐसे ही करते हैं। यानी कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 6 ओम है, और इसे हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं टू अ बैटरी। इसे हम लोग किससे कनेक्ट कर दे रहे हैं? बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं। तो चलिए एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसे हमने क्या कर दिया? एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, 12 वोल्ट के बैटरी से हमने इसे कनेक्ट कर दिया है। क्लियर है बच्चों? क्या क्वेश्चन कह रहा है? अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम, एक 6 ओम रेजिस्टेंस का वायर है, उसे हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं टू अ बैटरी ऑफ रेजिस्टेंस 12 वोल्ट, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। देखिए, जाहिर सी बात है, जब आप एक बैटरी को रेजिस्टेंस से कनेक्ट करेंगे तो कुछ करंट सर्किट में फ्लो करेगा ना बच्चों, वही करंट आपको निकालने को कह रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन। क्या क्या गिवन है बच्चों, आप बताइए क्या क्या गिवन है। एक तो हमें रेजिस्टेंस गिवन है 6 ओम। कितना गिवन है? 6 ओम। और एक पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है बैटरी का 12 वोल्ट। आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट। सो व्हाट डू यू हैव टू फाइंड? यू हैव टू फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग अक्रॉस द सर्किट। क्या फाइंड करना है? यू हैव टू फाइंड द करंट। सो फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? फॉर्मूला देखिए, V इज इक्वल टू IR होता है, आपको I फाइंड करना है। तो क्या I इज इक्वल टू V अपॉन R फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं? V गिवन है, R गिवन है, पुट करके निकाल लेंगे ना। तो यहां से देखिए करंट हमारा क्या आता है बच्चों, करंट आएगा V की जगह 12 वोल्ट और R की जगह 6 ओम। तो ये आपका आ रहा है 12 अपॉन 6 यानी कि 2, और वोल्ट अपॉन एम्पियर यानी कि 2 एम्पियर। कितना करंट फ्लो कर रहा है बच्चों सर्किट में? 2 एम्पियर के बराबर करंट हमारा सर्किट में फ्लो कर रहा है। क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि, ये क्वेश्चन आई होप समझ में आया आप लोगों को। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रेजिस्टेंस। यानी एक रेजिस्टर है इस तरीके से, ठीक है, इसका हमें रेजिस्टेंस पता नहीं, कह रहा है अननोन रेजिस्टर। तो इसके रेजिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं कैपिटल आर, ठीक है। और इसको किससे कनेक्ट किया है? कह रहा है व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड। तो इससे हमने क्या कनेक्ट कर रखा है? 12 वोल्ट के बैटरी को हमने कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। कितने वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट कर रखा है बच्चों? हमने 12 वोल्ट के बैटरी को कनेक्ट कर रखा है। तो कह रहा है कि व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रेजिस्टर, जिसका रेजिस्टेंस हमें पता नहीं है, तो कह रहा है करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर फ्लोस। कितना करंट फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है 2.5 मिली एम्पियर। देखिए, एमए का मतलब होता है मिली एम्पियर, स्मॉल एम का मतलब हो गया मिली, ठीक है। तो मिली एम्पियर इतना करंट सर्किट के अक्रॉस फ्लो कर रहा है। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। फिर से वही तीन चीजें हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और रेजिस्टेंस, ठीक है। इसी में सवाल हमारा घूम रहा है। तो हमें क्या क्या गिवन है पहले जरा गिवन लिख लेते हैं। हमें गिवन है बच्चों, हमें गिवन है कि पोटेंशियल डिफरेंस वी ये 12 वोल्ट के बराबर है। कितना है बच्चों?
12 वोल्ट के बराबर गिवन, और करंट जो सर्किट में फ्लो कर रहा है वो है 2.5 मिली एम्पियर। देखिए मिली एम्पियर का मतलब होता है 10 रेस टू दी पावर माइनस 3 एम्पियर, तो डायरेक्टली हम लिख लेते हैं 10 रेस टू दी पावर माइनस 3 एम्पियर। ठीक है, और आपसे फाइंड करने को कह रहा है रेजिस्टेंस, क्या फाइंड करने को कह रहा है, आपको फाइंड करने को कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर रेजिस्टर। ठीक है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे बच्चों हम लोग, फॉर्मूला हमारा यूज हो जाएगा R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, लिखा था हमने फॉर्मूला। तो R की जगह V की जगह हम लोग कितना रखेंगे 12 वोल्ट, और I की जगह रखेंगे 2.5 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 3, राइट, इतना एम्पियर। देखिए 12 तो एज इट इज रहेगा, ये डेसिमल हटेगा तो ऊपर एक 10 चला जाएगा, क्लियर है बच्चों, तो 12 इंटू 10 हो गया 120 डिवाइडेड बाय 25, और 10 रेज टू दी पावर माइनस 3 नीचे है, जब ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 10 रेज टू दी पावर 3, क्लियर है, और वोल्ट अपॉन एम्पियर ये हमारा हो जाएगा ओम के बराबर, इतना रेजिस्टेंस है। जरा इसको कैंसिल करते हैं, 5 5 25 और 5 इंटू 24 120, ठीक है, 24 अपॉन 5 ये हो जाएगा आपका 4.8 इंटू 10 रेज टू दी पावर 3 ओम। तो रेजिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, या तो आप लिखेंगे 4.8 इंटू 10 3 ओम, या तो आप लिख देंगे 4.8, और 10 रेज टू दी पावर 3 ओम होता है किलो ओम, तो इसको आप लिख सकते हैं किलो ओम। ठीक है, क्लियर है बच्चों, चलिए ये दो सवाल आप लोग नोट कर लीजिए, समझ कर नोट करिएगा, ठीक है, फिर हम लोग अगला सवाल देखेंगे। तो बच्चों ये दो सवाल है, इन दोनों सवाल को देखते हैं हम लोग, ओम्स लॉ पे बेस्ड है। ठीक है, आप लोगों ने देखिए ओम्स लॉ पे बेस्ड दो फॉर्मूले पढ़े हैं, एक फॉर्मूला पढ़ा है V इज इक्वल टू आई आर, जहां पर कि R आपका होता है इक्वल्स टू रो L अपॉन A होता है बच्चों, और फिर आपने पुट किया V इज इक्वल्स टू I इनटू रो L अपॉन A। ठीक है, इन सारे फॉर्मूले को आपको दिमाग में रखना है जब आप ओम्स लॉ के सवाल करते हैं। तो चलिए दो सवाल है, पहला सवाल हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि अ सिलेंडर ऑफ मटेरियल इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर आपको दे रखा है और कह रहा है कि इस सिलेंड्रिकल, इस सिलेंडर के शेप का कंडक्टर, ठीक है, इसका जो लेंथ है वो आपका 10 सेंटीमीटर, कितना बच्चों लेंथ 10 सेंटीमीटर, एंड हैज क्रॉस सेक्शन एरिया CSA, CSA यानी क्रॉस सेक्शन एरिया, ये एरिया आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इफ इट्स रेजिस्टेंस इज 20 ओम, इसका रेजिस्टेंस जो है बच्चों वो 20 ओम आपको दे रखा है, तो आपसे कह रहे रेजिस्टिविटी इसका क्या होना चाहिए बताइए। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिलेंडर के शेप का आपके पास कंडक्टर है जिसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, अगर इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 20 ओम के बराबर है तो इसकी रेजिस्टिविटी कितनी होनी चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले सॉल्यूशन हम लोग गिवन लिखते हैं हमेशा, तो हम लोग चलिए गिवन लिख लेते हैं, क्या क्या गिवन है बताइएगा बच्चों जरा। गिवन में हमें है कि भाई लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर, लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे ना बच्चों, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता है, तो 10 को 100 से डिवाइड करेगा तो आ जाएगा 1/10 यानी कि 0.1 मीटर, क्लियर है। अच्छा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो दे रखा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। ऐसा कैसे लिखा मैंने, देखिए बच्चों मैंने बोला था कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, यहां पर सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो नीचे दो बार 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 100 इंटू 100 नीचे कितना आ जाएगा 10 रेज टू दी पावर 4, ये ऊपर आकर हो गया 10 रेज टू दी पावर माइनस 4, ऐसे करना पड़ेगा 2
अपॉन 100 इंटू 100, क्योंकि सेंटीमीटर का स्क्वायर है तब जाकर ये मीटर स्क्वायर आएगा। देखिए 10 रेस ऑफ 4 हो गया, ऊपर जाकर 10 रेस टू दी पावर माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? ओके, कह रहा है इफ इट्स रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 20 ओम के बराबर। इतना रेजिस्टेंस है बच्चों 20 ओम के बराबर, आपको फाइंड करना है रेजिस्टिविटी। व्हाट डू यू हैव टू फाइंड? यू हैव टू फाइंड रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है बताइएगा जरा। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल्स टू आर इंटू ए अपॉन एल। ये फॉर्मूला भी आपके दिमाग में होना चाहिए, रो इज इक्वल्स टू R into A upon N। हालांकि यहीं से आ जाएगा लेकिन डायरेक्ट आपके दिमाग में ही रहना चाहिए। तो चलिए जरा इसमें लगाते हैं, R की जगह क्या लिखेंगे 20, एरिया की जगह लिखेंगे 2 into 10 raise to the power minus 4 divided by, ये L कितना है 0.1 यानी कि 1 upon 10 यानी कि 10 raise to the power minus 1। बच्चों 0.1 है, डेसिमल हटाएगा नीचे 10 आएगा, उसको 10 रेस माइनस 1 लिख सकते हैं। देखिए L नीचे तो 10 रेस माइनस 1, इसको कट करते हैं 10 रेस माइनस 1 तो ये हो जाएगा 10 रेस टू दी पावर माइनस 3। 20 इंटू 2 हो गया 40, 40 इंटू 10 रेस टू दी पावर माइनस 3 और इसका यूनिट होता है ओम मीटर। इतनी रेजिस्टिविटी जो है बच्चों इस कंडक्टर की है। क्लियर है बात? आई होप आपको ये समझ में आया। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लगाना था, ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि मीटर इसका स्टैंडर्ड यूनिट है। ठीक है बच्चों, मीटर क्या है? मीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट, तो आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेंटीमीटर में अगर आप छोड़ते तो ये ओम सेंटीमीटर में आता, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमेशा उसको स्टैंडर्ड यूनिट में लिखें तो सही होगा। हालांकि आप सेंटीमीटर में लिखते तो भी गलत नहीं होता, लेकिन कोशिश यही करना चाहिए हमेशा कि हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट्स में आंसर को लेकर आए। ठीक है, चलिए बच्चों ये अगला सवाल है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अ नाइक्रोम वायर हैज रेजिस्टेंस 10 ओम। देखिए एक नाइक्रोम वायर आपको दे रखा है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों जरा। एक आपको नाइक्रोम वायर इस तरीके से दे रखा है, ठीक है, इस नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, इसका रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, कितना है बच्चों 10 ओम। ठीक है, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ अनदर नाइक्रोम वायर, मान लेते हैं कि इसका लेंथ एल है बच्चों और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए, ये सब जो गिवन है वो मैं लिख रहा हूं यहां पर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस 10 ओम है, हमने मान लिया है कि इसका जो लेंथ है वो एल के बराबर है। कितना है लेंथ एल के बराबर, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है बच्चों वो मान लेते हैं कि ए के बराबर है। ठीक है, अब कह रहा है कि फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ अनदर नाइक्रोम वायर, आपके सामने एक और नाइक्रोम वायर लाकर दिया गया है हुज लेंथ इज 3 टाइम्स एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज 4 टाइम्स द फर्स्ट वायर। जो दूसरा वायर है इसका लेंथ कितना है 3 टाइम्स है, ऐसे इतना बड़ा सा है, और क्रॉस सेक्शन एरिया कह रहा है कि 4 टाइम्स है, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया भी ज्यादा है और लेंथ भी ज्यादा है। अगर इसका लेंथ एल है बच्चों तो 3 टाइम्स इसका लेंथ कितना होना चाहिए 3L। ठीक है, तो इस वायर का जो लेंथ है वो हम लोग कितना मानेंगे 3L। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कह रहा है 4 टाइम्स है यानी कि 4A होना चाहिए, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है बच्चों ये 4A के बराबर है। क्लियर है? अच्छा एक चीज और समझिए, देखिए दोनों केस में नाइक्रोम वायर ही है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि अ नाइक्रोम वायर हैज रेजिस्टेंस 10 ओम, तो नाइक्रोम वायर यानी नाइक्रोम कोई ना कोई मटेरियल होगा ना, उसकी रेजिस्टिविटी मान लेते हैं रो। कितनी मान लें बच्चों? रेजिस्टिविटी रो, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, इसकी रेजिस्टिविटी है रो। ठीक है, अच्छा ये नाइक्रोम वायर, इसकी रेजिस्टिविटी रो, ये दूसरा वाला भी तो नाइक्रोम वायर है ना, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ अनदर नाइक्रोम वायर, ये भी तो नाइक्रोम वायर है, यानी कि जिस मटेरियल का ये बना हुआ है ये भी उसी मटेरियल का बना हुआ है, दोनों नाइक्रोम के बने हुए हैं, तो भाई ये नाइक्रोम का बना है इसका रेजिस्टिविटी रो, तो ये भी तो नाइक्रोम का ही बना है तो इसका भी रेजिस्टिविटी रो होना चाहिए। रेजिस्टिविटी तो मटेरियल पे डिपेंड करता है और मटेरियल दोनों केस में सेम है, इसलिए इसकी भी रेजिस्टिविटी रो होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास एक नाइक्रोम वायर था जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम था। अब देखिएगा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो इनटू
एल अपॉन ए, ठीक है। इस नाइक्रोम वायर की रेजिस्टिविटी कितनी है, रो, लेंथ कितना है एल, और क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, और ये किसके बराबर है, ये 10 ओम के बराबर, कितने के बराबर है बच्चों, 10 ओम के बराबर। यही तो कह रहा है ना कि नाइक्रोम वायर हैज रेजिस्टेंस 10 ओम। तो पहला नाइक्रोम वायर लिया, इसका लेंथ एल, क्रॉस सेक्शन एरिया ए, रेजिस्टिविटी रो, रेजिस्टेंस 10 ओम दिया हो तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाय ए, यानी कि ये 10 ओम के बराबर हो गया। अब इसकी अगर बात करें तो कह रहा है कि फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ अनदर नाइक्रोम, इस नाइक्रोम का रेजिस्टेंस अगर आर डैश के बराबर, तो यही आपको फाइंड करना है कि ये रेजिस्टेंस कितना होगा, नए नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा। तो इसके रेजिस्टेंस को हम कहते हैं आर डैश, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, रो डैश इंटू एल डैश अपॉन ए डैश, यही होना चाहिए बच्चों। जो इस नाइक्रोम वायर का रेजिस्टिविटी, लेंथ और एरिया होगा उसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, कितना हो जाएगा आर डैश देखते हैं जरा। देखिए रो डैश तो क्योंकि सेम नाइक्रोम है इसलिए रो डैश रो के बराबर ही होगा। लेंथ कितना है 3L के बराबर, तो इसको हम 3L से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और एरिया कितना है 4A के बराबर, इसलिए 4A से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए 3 न्यूमरेटर में और 4 डिनोमिनेटर में इसको बाहर ले लें तो ये कितना आ जाएगा, रो एल अपॉन ए, यही होगा ना, राइट। और देखिए रो एल अपॉन ए हमें पहले से पता है कि ये 10 ओम के बराबर है, तो क्या मैं इसके लिए 10 ओम लिख दूं तो मेरा आर डैश कितना आ जाएगा। देखिए 3/4 तो पहले से ही था और इसकी जगह मैं लिख दे रहा हूं 10 ओम, तो कितना हो जाएगा, 4 को कट करेंगे 2.5 टाइम्स कट होगा, तो ये हो जाएगा 7.5 ओम। न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा बच्चों, 7.5 ओम इस वाले नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। लेंथ बढ़ाया तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया को ज्यादा हमने चेंज किया लेंथ के कंपैरिजन में, इसलिए डिक्रीज हो गया है, ठीक है। इस बात का ख्याल रखना, इस तरीके से कंपेयर करने को मिलेगा तो मैं इसका लेंथ और एरिया नहीं गिवन है, तो आप खुद से लेंथ और एरिया अज्यूम कर लेंगे। फिर इसमें क्या है कि लेंथ 3 टाइम्स हो जा रहा है, तो भाई अगर इसका एल है तो इसका 3L कर देंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया 4 टाइम्स हो रहा है, इसका ए है तो इसका 4A कर देंगे। दोनों नाइक्रोम है इसलिए दोनों का रेजिस्टिविटी सेम रहेगा, पहले जिसका रेजिस्टेंस गिवन है उसके लिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिख देंगे, फिर जिसका नहीं गिवन इसका निकालना है उसके लिए लिख के इन सारे चीजों को पुट करके जो मैथमेटिकल डिजिट्स हैं उसको बाहर निकाल देंगे, और रो एल बाई ए देखिए आगे हमें पता है 10 के बराबर, पुट किया और सॉल्व किया, ठीक है बच्चों। चलिए इसको नोट करिए आप लोग, चलिए बच्चों ये वाला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अ वायर ऑफ लेंथ एल, एक वायर आपको गिवन है, सॉल्यूशन देखिए, एक वायर आपको गिवन है, मान लेते हैं कि इस तरीके का वायर है, ठीक है। कह रहा है अ वायर ऑफ लेंथ एल, इस वायर का लेंथ क्या है बच्चों, लेंथ इसका है कैपिटल एल, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ वायर, द लेंथ ऑफ वायर इज कैपिटल एल, सो अ वायर ऑफ लेंथ कैपिटल एल एंड रेजिस्टेंस आर, इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो आर है, ठीक है। एक वायर है जिसका लेंथ एल है, उसका रेजिस्टेंस आर है, इज स्ट्रेच्ड, उस वायर को हम पकड़कर स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, सो दैट इट्स लेंथ इज डबल्ड एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज हाफ। मान लेते हैं इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बच्चों ए के बराबर, कितना है ए के बराबर। अब इसको हम स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच किया, देखिए स्ट्रेच करने पर क्या होगा, जो लेंथ है सवाल के अकॉर्डिंग जो लेंथ है ये डबल हो जा रहा है, कितना हो रहा है बच्चों, लेंथ डबल हो जा रहा है, लेंथ इज डबल्ड। तो पहले अगर लेंथ एल था तो अब लेंथ कितना हो जाएगा, 2L के बराबर, कितना हो जाएगा बच्चों, 2L के बराबर। और कह रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया इज हाफ, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया पहले ए था अब हाफ होने पर ए बाई 2 हो गया, ठीक है। तो कह रहा है हाउ विल इट्स रेजिस्टेंस चेंज एंड रेजिस्टिविटी चेंज। सबसे पहली बात तो कि मैं रेजिस्टिविटी पे बी पार्ट कहना चाहता हूं बच्चों। देखिए क्वेश्चन है कि एक वायर है जिसका लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, रेजिस्टेंस आर है, इसी वायर को हमने स्ट्रेच किया है, तो जो मटेरियल इस वाले वायर का था वही मटेरियल यहां भी रहेगा ना, तो चूंकि मटेरियल हमारा नहीं चेंज हो रहा है इसलिए रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूं कि सिंस
ऑन स्ट्रेचिंग, सिंस ऑन स्ट्रेचिंग वायर मटेरियल इज नॉट चेंजिंग, मटेरियल इज नॉट चेंजिंग। ठीक है बच्चों, सो रेजिस्टिविटी विल रिमेन द सेम, सो रेजिस्टिविटी विल रिमेन द सेम। समझ रहे हैं आप लोग इस चीज को? जब हम वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं तो मटेरियल उसका नहीं बदल रहा है, और रेजिस्टिविटी तो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, दोनों का मटेरियल सेम इसलिए दोनों की रेजिस्टिविटी सेम, सो देयरफॉर रेजिस्टिविटी विल रिमेन द सेम, नो चेंज इन रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस में क्या चेंज होगा इसको जरा देखते हैं, ए पार्ट में देखते हैं। मैंने बी पहले कर दिया, ए बाद में करूंगा। मान लेते हैं कि रेजिस्टिविटी जो है बच्चों वो रो के बराबर, तो उस कंडीशन में रेजिस्टेंस ऑफ ओरिजिनल वायर क्या होना चाहिए? रेजिस्टेंस ऑफ ओरिजिनल वायर, ओरिजिनल वायर के रेजिस्टेंस को आर कहा गया है, ये हो जाएगा रो इनटू एल अपॉन ए, इसको मैं इक्वेशन नंबर वन कह दे रहा हूं। ठीक है, उसके बाद फिर है ऑन स्ट्रेचिंग वायर, ऑन स्ट्रेचिंग वायर अगर हम वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं, ऑन स्ट्रेचिंग वायर, वायर को स्ट्रेच करने पर जो नया रेजिस्टेंस है वो क्या होगा देखते हैं जरा। रेजिस्टिविटी तो सेम है इसलिए रो ही लिखेंगे, लेंथ डबल हो जा रहा है इसलिए लिखेंगे 2l, डिवाइडेड बाय एरिया हाफ हो जा रहा है इसलिए a अपॉन 2, ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा रो इनटू l अपॉन a, और ये 2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2 2 4, कितना हो जाएगा 2 2 4, तो इसलिए जो नया रेजिस्टेंस है ये हो जाएगा 4, और रो एल बाई ए हमारा क्या होगा, रो एल बाई ए, देखिए पहले से ही ओरिजिनल रेजिस्टेंस आर के बराबर है, यहां से क्या दिख रहा है कि नया रेजिस्टेंस 4 इंटू आर है, यानी आप कहें कि न्यू रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, न्यू रेजिस्टेंस इंक्रीजेस बाई 4 टाइम्स, इंक्रीजेस बाई 4 टाइम्स, पहले आर था 4R हो गया तो 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए आज इतने सारे सवाल हमने किए हैं, कोशिश करेंगे अगले लेक्चर में हमें ओम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स ही करने हैं, कोशिश करेंगे इतने न्यूमेरिकल्स हम लोग फिर से कर सकें। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ऐसे न्यूमेरिकल्स आप लोगों को प्रैक्टिस करने शुरू कर देना है। ठीक है बच्चों, चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, और इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, पढ़िएगा जरूर, बाय।